बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हमें बहुत टेंशन में है दीदी की वजह से। दीदी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, और पहले भी हॉस्पिटल में टावा दिखाया था, इनको आराम हो गया था और अब आराम हो जाता है और फिर से बुखार आने लगता है। देखो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अब भी हम इस टाइम टावा में हैं। आप लोगों को बता रहे हैं, अब इस टाइम हम इटावा में हैं और रेखा दीदी को लेके आए हैं। और ये देखो हमारी बुआ जी हमारे गाँव में से हैं, फूफा जी को भी प्रॉब्लम है तो इसी हॉस्पिटल में फूफा जी भी भर्ती है और रेखा दीदी को भी यहीं पर भर्ती कर रहा है डॉक्टर ने। फूफा जी ने ही बताया कि के हॉस्पिटल है इटावा में, यहीं पर दीदी को लेके हम आए हैं। दिखाया था बहुत सारी जगह, पहली बार भी इटावा लेके आए थे, पर दीदी को आराम मिल जाता है, पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है फिलहाल में। लेकिन ये बता रहे हैं फूफा जी अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहीं पर लेके आए हैं दीदी को। देखा दीदी की बड़ी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा था, आप लोगों को क्या बताएं, एक महीना पूरा हो गया है दीदी की वजह से परेशान रहते हैं, पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है। अब आप लोगों को वीडियो में पहले दिखा दूँ कि दीदी को आराम हो गई है, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिलता है। और देखो बिल्कुल हालत एकदम कमज़ोर रह गई है। रेखा दीदी का चेहरा हमने स्माइल नहीं देखी, और रेखा दीदी देखो बहुत लगा हम चेहरा पे स्माइल आ गई, अब थोड़ी हंस गई है, अच्छा लग रहा। और हमारी बुआ जी है पास में ही, तो देखो फूफा जी बैठे, फूफा जी तो यार दवा चढ़ रही उधर इधर मोबाइल में वो देख रहे हैं मैच, टाइम पास नहीं हो रहा था कि वजह से मोबाइल चलाए गई। और रेखा दीदी इतनी सारी दवा मिल गई सुबह सुबह नाश्ता में, डॉक्टर ने नाश्ता कर लिया, अब चाय की जरूरत है नहीं, नाश्ता कर लो करिए। सुबह सुबह बहुत दवा मिल गई, लेकिन बहुत सवेरे थे आए तो टेंशन में दिमाग है, तो ज्यादा रेखा दीदी का सब देख ले तो हमारे तो चेहरा पे बहुत ज्यादा स्माइल आ जाए। सही देर तो मैं बता, हम अपनी जीजी को देख के खुश रहा था, आप लोगों को पता है ये रेखा दीदी की दवा चढ़ गई। अयारे घर की तैयारी कर रहे, हम बोतल निकल रही, आराम है गई रेखा जी है। एक बार हंस के कह तो दो, सवेरे तो टेंशन में दवाई वजह से दीदी ने वैसे सही कर दो, अच्छी दवा मिले थे यहाँ पे, और सब फूफा जी ने बुलाए लो ताकि वजह सही हो गई दीदी। अब फूफा जी तो अबे आज यहाँ रुके, बुआ रुके, अब हम लोग तो जा रहे, छुट्टी हो रही हम लोगों की।
फुगा जी खाना बनाए के ले आई घर से, तो मेरे जी रास्ता ही होए गए फुगा कह रहे। और देखो जी फुगा की बिटिया, अब देखो हम सब लोग वैसे घर पे आते मिलना, अब हम खुद ही आए गए टावा में। इधर देखो जी फूफा जी इनके हैं बुआ के, चेंजमेंट रहता जी सेट वाले इन बुआ के हैं। बुआ हमारी टावे में रात ही ताकि वजह से कोई दिक्कत नहीं है, घर से देखो खाना बना के ले आए। तो आप लोगों को बताया था हम घर आ चुके और रात के 9-10 बजे गए थे और इतनी कस के बारिश हो रही थी, और बारिश अब हो रही है देखो मौसम। ये दूसरे दिन कल तो बारिश भई थी, जो कल गई थी इटावा अपनी जी दीदी के लिए गए बुखार है को तो ने, और हम रुके थे घर अपने जो बच्चे की वजह से, और ऐसी तरह से घर पे स्कूल जाते जो रोते था वजह से हम घर पर रुके थे, तो सुलेखा गई थी, लेकिन आज सुलेखा को बुखार है वो हल्को हल्को आँखें देख और बुखार है वो, पता नहीं कौन सा वायरस बकरो है सो पता नहीं चल, पता नहीं फैल रहा है वायरस, लगनो बुखार बोलते हैं जिसको, वायरल बुखार चल रहा है वही बुखार हो जा टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हूँ, आज बुखार हल्को हल्को हमों का आएगा देखो, तो बहुत ही बिगड़ रहा हूँ हमारे इधर तो करीब 6-7 दिन से बारिश हो रही है, उसको लगातार बारिश हो रही है, कल दिन में और आज भी बारिश हो रही है, बारिश आज हो रही है, अबे बूंदे पड़ रही हैं, नेक बंद भाई नेक देर के नेक, देखो बादल ही बादल छाए ऊपर जो सब पानी बरसने वालों है, देखो बूंदे पड़ रही है, निनिया निनिया फुहार पड़ रही है, पानी बरसन लगो सुलेखा कपड़ा उतार ले जल्दी, ये देखो कहका रोटी खाना है, दरस कल तक गुस्सा है बता रही मम्मी चुप कहाँ चले गई, हम स्कूल चले गए और मम्मी चुप कहाँ चली गई थे, सुलेखा का मारा गुस्सा है वो दरस बेटा, दरस गुस्सा जा सो है वो कह रहे रोज रोज तुम नानी घर चली जाती हमें एक दिन नहीं लेवा जाती, नानी घर नहीं गई मौसी की तबीयत खराब हो गई लाला, फिर कई दरस मौसी की बुखार आएगो तो तामे मम्मी इटावा गई थी तुम्हारे, कल अरे परेशान करे जा कह पानी बंद, देखो धीरे धीरे पानी बरसन लगो, देखो आप लोग कितनी तेजी पानी बरसन लगो हमारे लोग, क्या दर है आज स्कूल करने गए तुम बताओ, पानी बरस रहा, अच्छा पानी बरस रहा हुआ तब वजह छुट्टी कर दी गई आज, काम पढ़ने नहीं गो दर है।